और यहाँ से अगर साइड में आप इस तरफ देखोगे तो इस तरफ डायरेक्ट जो है ना ग्लास की जो छत है वो दिख रही है। ये मतलब अगर आप ये स्टार देखोगे ना, ये इस टाइप का स्टार, तो ये इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो ये है, हे ब्रदर व्हाट्सअप, और यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग एक चीज़ देखने को मिली है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम कतर। और आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी मस्जिद, और उसके साथ साथ मैं दिखाऊंगा आपको कुछ म्यूज़ियम्स जो कि मस्जिद के आसपास ही बने हुए हैं। और इस मस्जिद का नाम है मुशैरब मॉस्क्यू, वैसे इसे मुशैरब जुमा मस्जिद भी कहते हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये जो है ना दुनिया की पहली एक ऐसी मस्जिद है जो लीड सर्टिफाइड है, और इसको बनाने में लगभग जो है ना 60 मिलियन कतरी रियाल का खर्चा आया है। तो वो सारी खूबसूरती, सारा कुछ हम जो है ना जो खर्चा आया है वो सारा कुछ देखने वाले और देखेंगे क्या क्या है मस्जिद के अंदर। और इसके साथ साथ जो म्यूज़ियम्स बने हुए हैं इसके पास में, जिसमें एक तो जो है ना स्लेवरी से रिलेटेड है, पुराने ज़माने में जो गुलामी करते थे लोग, कैसे गुलाम बनाते थे, और एक कतर का जो है ना ट्रेडिशनल और जो आर्किटेक्चर है उससे रिलेटेड थोड़ा सा म्यूज़ियम है, और एक कतर का फर्स्ट जो ऑयल जब मिला था कतर में तो उससे रिलेटेड जो ऑयल कंपनी थी मतलब, तो उससे रिलेटेड एक म्यूज़ियम है, वो भी देखने वाले हैं। तो करते हैं अपने आज की इस वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। काफ़ी धूप हो रही है और मैं जो है ना सनग्लासेस लाना भी भूल गया, ये बहुत बड़ा अफसोस है। खैर, चलते हैं अभी मस्जिद के अंदर और आपको भी दिखाते हैं मस्जिद अंदर से। और यह है मुशैरब मस्जिद, मैं वॉक करते करते यहाँ तक आ ही गया हूँ। थोड़ा सा कुछ मैं थोड़ा दूर से आया हूँ वॉक करके, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और यह है मस्जिद की इस तरफ एक मीनार, और मस्जिद के इस तरफ जो है ना ये फाउंटेन बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है ये भी चलते हुए। और इस तरफ जो है ना अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है मस्जिद का मेन गेट। फिर हम चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर से भी। और ये एकदम मस्जिद के एंटर करते ही ये दूसरा फाउंटेन है, ये कोई वजू खाना नहीं है, खाली वो फाउंटेन है। और इस तरफ ये गैलरिया बनी हुई है मस्जिद में जाने के लिए, साइड से गेट है और फिर गैलरिया है। सेम इस तरफ भी ऐसी बनी हुई है, और ये एक गेट है इसमें सिर्फ एंटर करने का, और ऊपर इसके थोड़ा सा जो है ना वेंटिलेशन का दिया हुआ है, वहाँ पे फीमेल्स का सेक्शन है शायद नमाज़ पढ़ने का, तो उनके लिए वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ भी लगा रखी है। मस्जिद में एंटर करते करते ही जो है ना अजान हो गई थी, फिर नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर से दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। और अभी चलते हैं मस्जिद के अंदर और आपको मस्जिद को अंदर से भी दिखाता हूँ। और इस मस्जिद के जो है ना जो आर्किटेक्चर है, दरअसल वो जो है ना इस्लामिक आर्किटेक्चर और मॉडर्न आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके ही इस मस्जिद को बनाया गया है। और ठीक मेरे पीछे अगर आप देखोगे ना तो ये मस्जिद का मेन गेट है, तो मैं साइड में भी इसके गेट है लेकिन ये मेन गेट है, मैं इधर ही खड़ा हूँ। तो मेन गेट पे अगर इधर देखोगे ना आप, जो ये डिज़ाइन देख रहे होगे आप इस तरफ, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, लेकिन जो गेट है ये बिल्कुल मॉडर्न आर्किटेक्चर है। मतलब इस्लामिक आर्किटेक्चर में ऐसे गेट्स नहीं होते, वो डिज़ाइन बना हुआ था आर्क टाइप के, गोल गोल टाइप के, अलग अलग तरह के होते, मतलब कई तरह के होते। लेकिन बहरहाल जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि जो गेट है इसका अगर आप देखोगे तो गेट इसका मॉडर्न आर्किटेक्चर में बना हुआ है, लेकिन जो डिज़ाइन है जो ये आप देख रहे होगे ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। और ये इसका जो लीड सर्टिफिकेशन की मैं बात कर रहा था, तो ये है इसका लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन। और अभी चलते हैं इसमें अंदर। और इस तरफ इसकी जो है ना एक ही मीनार है ये, और मीनार भी देखो कितनी खूबसूरत है, काफ़ी लंबी बना रखी है, बीच में थोड़ी सी जालियाँ जैसी है।
और ये है पूरा मस्जिद का मेन गेट, सिर्फ एक गेट है मस्जिद के अंदर। और अभी चलते हैं मस्जिद के अंदर, ले गए अल्लाह का नाम। थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा था मैं, क्योंकि कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे तो उनकी वजह से इंतज़ार कर रहा था मैं चले जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंदर आ गए हम, तो मस्जिद में आपको अभी अंदर से दिखाता हूँ। इस तरफ देखोगे आप तो ये पूरा फीमेल सेक्शन है फीमेल्स के लिए। और ऊपर जो है ना, ऊपर देखोगे तो छत इसकी जो देखोगे आप, छत में ऊपर लगा हुआ है असल में ग्लास, ये पूरी छत जो है ना ग्लास की है। और यहाँ से अगर साइड में आप इस तरफ देखोगे तो इस तरफ डायरेक्ट जो है ना ग्लास की जो छत है वो दिख रही है, लेकिन इस तरफ थोड़ी जालियाँ लगाई हुई है। और इन जालियों के ऊपर जो ग्लास लगे हुए हैं वो गोल शेप में, जैसे इसमें डिज़ाइन है तो उसी शेप में लगे हुए हैं। पूरी छत ऐसी ही है। और जो फीमेल सेक्शन है और मेल सेक्शन है, उन दोनों की कॉमन छत है ऊपर वाली, और इसके फीमेल के लिए अलग से बनाया तो इसकी छत अलग से लगाई गई है। पूरा सेक्शन सेपरेट है। और ये जालियाँ जो है ना, जो फीमेल सेक्शन की जो जालियों का डिज़ाइन है, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है, लेकिन जो छत है वो मॉडर्न आर्किटेक्चर है। और सामने जो है ना एक विंडो है जो आप देख पा रहे हो कि इसमें स्टार बना हुआ है, तो वो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, लेकिन जो नीचे दो तीन विंडोज़ और दिख रही है ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है। हो इतना तो खैर आप सब जानते ही है कि मॉडर्न आर्किटेक्चर क्या है, लेकिन वो ऊपर वाले जो है ना मिक्स कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को इस तरीके से मिक्स करके बनाया है। और इस तरफ जो है ना पूरा, जो अगर देखोगे ना आप, ये इस तरफ मेहराब है इसका मस्जिद का, और मेहराब के साथ जो है ना ये वॉल है जिस पे जो है ना थोड़ा सा मॉडर्न आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके ये जो क्या कहते हैं ना मार्बल लगाया गया है। देखोगे आप तो ये गोल गोल ऐसे बना रखे हैं, तो ये पूरा मार्बल की वॉल है ऐसी, जो कि मतलब सिमिलर है जस्ट लाइक इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस्लामिक आर्किटेक्चर में क्या होता है कि उसमें एंगल्स होते हैं, मतलब जो स्टार बनता है उसमें एंगल्स होते हैं, और ये पूरा गोल गोल है, और वो ओवरऑल जो है ना ऐसी दिखती है। और कमाल की बात यह है कि ये गोल्ड है, जो मेहराब है इसका गोल्ड बना हुआ है, ठीक है। और ये इस तरफ जो है ना मार्बल लगा हुआ है, इस तरफ भी मार्बल लगा हुआ है। छत देखोगे आप, ये पूरी मॉडर्न आर्किटेक्चर है, लेकिन जो फीमेल सेक्शन है और उसकी जाली लगी हुई है, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ये पूरा इस्लामिक आर्किटेक्चर है, जो जाली का डिज़ाइन है वो एंगल्स और वो सब चीज़ें। और ये गेट्स भी जो है ना थोड़े से मॉडर्न और इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिक्सर है इसमें। अगर मैं थोड़ा सा करीब से दिखाऊँ आपको तो आप देखोगे, तो ये देख सकते हो आप, ये मतलब अगर आप ये स्टार देखोगे ना, ये इस टाइप का स्टार, तो ये इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो ये है ये मॉडर्न को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से मतलब मिक्स करके इसको डिज़ाइन किया गया है। और इस मस्जिद को जो है ना जॉन मैक अर्सलान और उनकी टीम ने इसको डिज़ाइन किया था, और ये 2016 में जो है ना पब्लिक के लिए ओपन की गई थी। और इसकी जो है ना जो छत है, मुझे जो लगा है छत और जो आर्किटेक्चर का मिक्सर है, मतलब इस्लामिक और मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ जो मिक्स करके इसको बनाया है, तो शायद मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों की वजह से ही जो है ना इसको लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन मिला था, जो कि पहली मस्जिद है दुनिया की जिसको जो है ना लीड गोल्ड सर्टिफिकेट मिला है। तो इसमें मस्जिद में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है, छोटी सी मस्जिद है। लेकिन इसके बाद जो है ना मैं आपको दिखाऊंगा कुछ म्यूज़ियम्स जो मस्जिद के एकदम बाहर है, वो भी बिल्कुल फ्री है, फ्री विज़िट कर सकते हैं उसमें। तो अभी मैं चलता हूँ वहाँ पे, कुछ म्यूज़ियम्स दिखाता हूँ आपको। वो ऑलरेडी मैं आपको बताया कि उसमें से जो है ना एक तो कतर का पहला जो ऑयल कंपनी थी उससे रिलेटेड है, और दूसरा जो है ना जो गुलाम होते थे, स्लेवरी होती थी, तो उसकी एक उस पर बेस्ड है, और एक कतर का कल्चर उससे रिलेटेड है। तो अभी चलता हूँ मैं बाहर और फिर दिखाता हूँ आपको बाहर से। ये तो थी हमारी मुशायरा मस्जिद जो हम अभी देख के आए हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं म्यूज़ियम में, जिसका नाम है कंपनी हाउस। ये जो है ना कतर की फर्स्ट ऑयल कंपनी जो थी उस पे बेस्ड है।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे कैसे निकलता है वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई, स्क्रीनिंग भी चल रही है, थोड़े पाइप वाइप उसी टाइप के लगे हुए। यहाँ पे कुछ थोड़े से सामान रखा हुआ है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये कुछ टिफ़िन वगैरह रखे हुए हैं, और ऊपर वो पिक्चर्स लगे हुए हैं, और ये नीचे एक मशीन भी रखी हुई है कुछ। मेरे को पेट्रोलियम का तो कोई आइडिया ही नहीं है, लेकिन ये जो है ना ऑयल कैसे निकाला गया उससे रिलेटेड ये कुछ पिक्चर्स लगा रखी है। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस म्यूज़ियम। एंड अगर आप सीलिंग देखोगे तो सीलिंग देखो कितनी खूबसूरत है। ये सीलिंग पूरी ग्लास की बनी हुई है, पूरी ग्लास की। और यहाँ पे जो है ना कुछ जो काम करने वाले थे तो उनके थोड़े से जो है ना स्टैचू टाइप के बना रखे हैं। हे ब्रदर व्हाट्सअप। और एक इस तरफ भी है, ये वर्कर्स से, ये वर्कर्स के थोड़े से जो है ना लगा रखे हैं, थोड़े स्टैचू बना रखे हैं। और यहाँ पे देखो ये बंदा लकड़ी लेके जा रहा है। हेलो और अभी इधर देखते हैं, इधर सोफे वोफे लगे हुए हैं कुछ। और ये एक रूम बना रखा है जिसमें जो है ना कुछ फाइल्स रखी हुई हैं, जिनके अंदर फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं, उससे पेट्रोलियम से रिलेटेड इस तरफ भी कुछ फाइल्स रखी है। और मेरे सामने भी एक ये फाइल ऑलरेडी पहले से एक बॉक्स रखा हुआ है, तो मैंने सोचा इसको भी निकाल के देख लेते हैं। और यहाँ पे जो है ना कुछ ये ऑयल जो रिफाइनरी होती है या क्या कहते हैं उसको, जो तेल के कुएं होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे रखे हुए हैं पुराने। खैर बहरहाल इसको करते हैं बंद और देखते हैं बाकी का म्यूज़ियम। कंटेम्प्रेरी वॉइसेस यहाँ पे कुछ ये टच करने के लिए दिया है, ये पिक्चर्स, अच्छा ये डिजिटल पिक्चर्स भी हैं, वीडियो हैं। द लाइफ ऑफ ब्रिटिश वर्कर्स इन स्क्रीन लगा रखे है यहाँ पे बैठ के। और अभी हम आ गए हैं दूसरे म्यूज़ियम में, जो ये म्यूज़ियम जो है ना स्लेवरी से रिलेटेड है, मतलब गुलामी से रिलेटेड है, कि पुराने ज़माने में लोगों को गुलाम करके रखा जाता था। तो उसके जो है ना कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ जो है ना विजुअल इफेक्ट्स डाल के जो है ना थोड़ा सा वीडियो टाइप की दिखाई हुई है, तो वो भी देखते हैं अभी। और इसमें बहुत सारे हाउसेज बने हुए हैं, सब में बारी बारी देखते हैं चल के, अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो आपको भी दिखाते हैं। और ये पूरे वर्ल्ड मैप है, इस तरफ ये कुछ जो है ना पेंटिंग्स भी है ऊपर स्लेवरी से रिलेटेड। ये छोटा सा अभी दिखा रखा है स्क्रिप्चर बना के, ये देखो यहाँ भी इसकी कुछ हिस्ट्री भी लिखी हुई है, स्लेवरी इन द वर्ल्ड। और स्लेवरी एक ऐसी चीज़ थी, एक ऐसा पाप था इस दुनिया के लिए, कि मतलब वो पूरी दुनिया में ही था, मतलब जैसे गोरे जो है ना कालों पे जुल्म करते थे, वो अरब में भी था, पूरे वर्ल्ड में, मतलब सब कहीं था वो, कि क्या नाम उनको जो है ना गुलाम बना के रख लिया जाता था, ख़रीद लिया जाता था, और फिर उनकी पीढ़ियाँ आगे होने वाले बच्चे वो भी गुलाम रहते थे। तो ये जनरेशन चलता रहता था ऐसे, बाद में फिर धीरे धीरे वक्त बदलता गया और हर कोई फ्री है, कि वो किसी का गुलाम नहीं है, अपनी मर्ज़ी से जो है ना खा सकता है, पी सकता है, काम कर सकता है। और यहाँ पे दिखा रखा है भाई डोमेस्टिक स्लेवरी कैसे होती थी, मतलब घर के काम काजों के लिए भी जो है ना गुलाम रखे जाते थे। नाउ वी आर इन दी मॉडर्न वर्ल्ड वेयर यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, एंड दिस इज द गैलरी विच बिलोंग्स टू द मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि आज की दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। एक किस्म की ऐसी गैलरी है, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो है ना पिक्चर्स लगाई गई है, और यहाँ पे एक स्क्रीन भी दे रखी है, इसमें पढ़ सकते हैं आप। ये जेनेटिक डिजीज़ और ये सब चीज़ें जो है ना, मतलब जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे ये मेडिकल से रिलेटेड है। म्यूज़ियम की लास्ट गैलरी में, जो कि आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो यूज़ करके जो भी चीज़ें बनी हैं शायद उससे रिलेटेड ये गैलरी है, तो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम इस तरफ। और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग एक चीज़ देखने को मिली है, वो ये है कि
रोबोट का इस्तेमाल करके ऊँटों को जो है चलाया जा सकता है, मतलब जैसे गर्मियों में बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाती है तो उस वजह से जो है ना, अब ऊँट के लिए तो मुझे नहीं लगता गर्मी सर्दी से फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन इंसान को जो है ना उससे सुकून मिले तो शायद उस वजह से रोबोट बनाया गया है जो कि ऊँट की राइड कर सकता है। और भाई इस तरफ है म्यूज़ियम में लाइब्रेरी बनी हुई है जो कि उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो आप, और इस तरफ है ये गिफ्ट शॉप जो कि आप यहाँ से कुछ खरीद सकते हो। और अगर मैं थोड़ा करीब में दिखाऊँ आपको, यहाँ पे ये कुछ ऐसे मोतियों की माला है जो कि 150 कतरी रियाल की है। और अभी हम आए हैं तीसरे हाउस में जो कि क्या नाम, कतर के पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड है, मतलब कैसे कतर काम किया पुराने ज़माने में, अभी कैसे चल रहा है। चाय की दुकान से रिलेटेड सामान लग रहा है मुझे। इस तरफ चाय की कैटल सी रखी है बड़ी सी, और ये कुछ स्टोव वगैरह। इधर ये पूरा अलिफ बा लिखा हुआ है, ये कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड है, और यहाँ पे कुछ फार्मेसी से रिलेटेड, अपना केमिस्ट्री से रिलेटेड, ये सब चीज़ें जो है ना, कुछ मशीन जैसे भी लगा रखी है, और ये एक मैग्नेट। और इस तरफ कुछ जो है ना आर्किटेक्चर के सैंपल है, ये जाली वाला है, और ये जो है ना ये तो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो होता है उसकी जाली का डिज़ाइन है। ट्रैम में भी एक थोड़ी सी राइड ले लेते हैं ट्रैम की, जो कि ठीक मेरे इस तरफ है, ट्रैम आ गई है। और यहाँ पे बैठते हैं हम। ये थी हमारी मस्जिद जिसमें सबसे शुरू में हम हो के आए थे, मस्जिद में। इस तरफ जो है M7 का एक स्टॉप है, हम उसी पे उतर जाएंगे पहले स्टॉप पे। ये थी हमारी ट्रैम जिससे हम आए। सो गाइस, ये ट्रैम की राइड भी ले ली हमने। ट्रैम बिल्कुल फ्री है ये, और ये पूरे मुशरफ में घूमती रहती है। यहाँ से शुरू किया था, घूम फिर के वापस वहीं पे आ गया हूँ। और ये था मेरा आज का वीडियो मुशरफ मस्जिद के बारे में, और जो म्यूज़ियम्स मैंने आपको दिखाए हैं जो कि मस्जिद के बिल्कुल पास ही है, सब कुछ फ्री है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसी के साथ करता हूँ आज की वीडियो को ख़त्म, और जल्द मुलाकात होगी आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।